अभी धर्मेंद्र हेमा की लाडली बेटी ईशा देओल की तलाक की खबर ने हर किसी को झटका दिया है। ईशा और भरत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। काफी टाइम से दोनों के तलाक की खबरें सामने आ ही रही थी कि अब ईशा और उनके पति भरत ने दोनों ने सामने आकर तलाक को कन्फर्म कर दिया है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कोई उनका सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनमें कमी भी निकाल रहा है। तलाक की खबर सुनते ही चाहने वालों का दिल टूट गया। हर कोई सोच में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनका अटूट बंधन टूट गया है। तलाक की असली वजह ईशा और भरत ही बता सकते हैं। भरत के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि उनके लिए ईशा से अलग होना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। भरत तख्तनी का फेसबुक अकाउंट खंगालने पर पता चला कि उन्होंने तलाक के बाद भी कवर इमेज पर अपनी और ईशा की फोटो लगाई हुई है। दोनों रियल लाइफ में अलग हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी मोहब्बत की गवाही अब तक मौजूद है। हर कोई पूछ रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि धर्मेंद्र की बेटी ईशा अपने पति से अलग हो गई है, और आज इन्होंने कंफर्म भी कर दिया। फेसबुक कवर इमेज में ईशा भरत को किस करती दिखाई दे रही है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और प्यार देकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये जोड़ी कभी को डिवोर्स भी ले सकती थी। ईशा देओल ने अनाउंस कर दिया कि वो भरत तख्तनी से तलाक ले रही हैं। भरत और ईशा की 11 साल बाद शादी टूट रही है और इस कपल की दो बेटियां भी हैं। भरत और ईशा ने 2012 में शादी की थी, इनकी दो बेटियां हैं, लेकिन अब ये दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल उठा कि आखिर ये प्यारी जोड़ी क्यों अलग हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इस जोड़ी के टूटने की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर है। काफी वक्त से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दिए थे, जिसके बाद एक यूजर ने पोस्ट के साथ इस बात का दावा किया था कि दोनों तलाक लेने वाले हैं, लेकिन आज इस पोस्ट का दावा कंफर्म होते दिख रहा है। एक पोस्ट में यूजर ने दावा किया था कि भरत से अलग हो चुकी हैं ईशा और वो अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ रहती हैं। यूजर ने दावा किया था कि बेंगलुरु न्यू ईयर पार्टी में भरत एक लड़की के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते नजर आए थे और ईशा मुंबई में अपनी माँ के साथ थी, यानी भरत बहुत पहले से ही उस लड़की के साथ घूमने फिरने लगे थे और ईशा से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने दूरियां बना ली और दिल्ली से वापस मुंबई आकर अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ रहने लगी। उनके साथ अभी उनकी दोनों बेटियां भी रह रही हैं। हालांकि भरत ने अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ईशा के साथ के फोटोज नहीं हटाए हैं। कहीं ना कहीं भरत अपनी नजरों में गिर चुके हैं और ईशा ने ये बात कंफर्म कर दी है। ईशा भरत के साथ रहना चाहती थी। ईशा देओल कभी भरत को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके परिवार में उन्हें कुछ ऐसे ही संस्कार दिए गए हैं जिसमें वो कभी भी तलाक नहीं देती। ईशा देओल के लिए जब एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया तो भरत का घर छोड़कर वापस मुंबई माँ हेमा के घर आ गई। जी हाँ, ईशा देओल को भरत की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। ईशा देओल तब भी इस रिश्ते को चला रही थी, क्योंकि भरत बहक चुके हैं और वो संभल जाएंगे। भरत भी ईशा को घर से जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो भी लोगों की नजर में सुपरस्टार की बेटी का दिल दुखाने की वजह से गुनाहगार नहीं बनना चाहती थी। इसलिए भरत ने अपने फेसबुक अकाउंट से आज तक ईशा के संग फोटो नहीं हटाई, जो साबित करती है कि भरत दुनिया की नजरों में ईशा को तलाक देना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी लड़की के साथ जरूर रिश्ता रखना चाहते थे। ईशा ने भरत पर निगरानी रखनी शुरू कर दी और जब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ देख लिया, भरत के फोन में उनके फोटोज देख लिए, तब तलाक देने का फैसला कर लिया। भरत के फेसबुक अकाउंट पर देखेंगे तो ईशा को किस करते हुए फोटो लगी हुई है। आखिर किस डर से भरत ने अभी तक ईशा की सौतन की फोटो नहीं लगाई, या फिर कुछ ही दिन में वो भी ईशा और उनके परिवार को दूसरी पत्नी की फोटो दिखाकर झटका देने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो धर्मेंद्र की हालत खराब हो सकती है। धर्मेंद्र पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वो शुरू से ही अपनी बेटियों की परवरिश को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने बहुत जल्द शादी भी कर दी और वो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे अपने अपने घर सेटल हो जाएं।